एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ देर में ओडिशा रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। बालासोर जाने से पहले प्रधानमंत्री ने बैठक की है, हाई लेवल बैठक की गई है, उच्च स्तरीय बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने है। हादसे पर प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, एक एक जानकारी अश्विनी वैष्णव से भी ली है, रेल मंत्री से। बालासोर में घटना स्थल पर अब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कटक के अस्पताल भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त 238 लोगों की जान चली गई और 900 से ज्यादा घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समीक्षा बैठक की, कुछ देर पहले ये समीक्षा बैठक खत्म हुई और इसके बाद जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री रवाना होंगे बालासोर के लिए, कटक के अस्पताल भी पहुंचेंगे। लेकिन ये बैठक समीक्षा बैठक थी, हाई लेवल समीक्षा बैठक, ये देखने के लिए कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे। कल शाम 7 बजे ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 3 ट्रेन कैसे एक दूसरे से टकराई हैं, डिरेल हुई हैं, इसकी जानकारी देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हमारे साथ आनंद पांडे भी जुड़े हैं। आनंद, हम तस्वीरें देख रहे हैं उस हाई लेवल मीटिंग की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर किया इस मीटिंग को, और उन्हें जानकारी दी गई कि कैसे ये हादसा हुआ है और कैसे अब राहत और बचाव का काम जारी है, यानी ग्राउंड सिचुएशन क्या है अब, क्या और आपको जानकारी मिल रही है इस बैठक से जुड़ी हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री को ग्राफिक्स के जरिए बताया जा रहा है कि दरअसल हुआ कैसे ये हादसा। जी बिल्कुल, इस बैठक में प्रधानमंत्री को ये समझाया गया, बताया गया कि कैसे ये हादसा हुआ, कैसे जो ट्रेनों का कोलिजन हुआ और उसके बाद हाल के सालों में इतना बड़ा ये हादसा हुआ जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी जानना चाहा कि अभी वहां के ताजा हालात क्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहे हैं वहां पे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही और क्या क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संभव स्टेट गवर्नमेंट को सहायता दी जाएगी और खुद फर्स्ट हैंड जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में रवाना होने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि लगभग 2:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भुवनेश्वर पहुंचने का अनुमान है और वहां से वो भुवनेश्वर से हेलीकॉप्टर के जरिए पहले बालासोर जाएंगे जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर हालात का जायजा लेंगे, वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो अधिकारी लगे हैं उसके साथ साथ जो स्टेट की मशीनरी लगी उनके उसके साथ वे बैठक करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर वहां से सीधा वो कटक जाएंगे, कटक के उस हॉस्पिटल में जहां पे घायलों को रखा गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री वहां जो मरीज है जो घायल है उनसे मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके अगर परिजन वहां पे अगर अवेलेबल है प्रधानमंत्री उनसे मिलकर भी उनको ढांढस बनाएंगे। जी आनंद, हम तस्वीरें देख रहे हैं इस रिव्यू मीटिंग की, प्रधानमंत्री मोदी एक डिस्प्ले के जरिए प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इन तमाम चीजों के बारे में भी बातचीत की जाएगी घटनास्थल पर पहुंचकर। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें आपको नजर आ रहा होगा जो प्रधानमंत्री के सामने जो स्क्रीन है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे रेलवे लाइन थी और कैसे रेलवे लाइन के पहले एक जो ट्रेन है डिले हुई, उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आई उसने उसको टक्कर मारी और उसके बाद एक और ट्रेन आई जिसके बाद से ये और हादसा बड़ा होता चला गया। और आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, कैबिनेट सेक्रेटरी मौजूद है, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मौजूद है, साथ ही साथ एनडीआरएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद है। आप बने रहिए, कुछ देर में ओडिशा के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे थे, एक और बड़ी खबर, 2:30 बजे प्रधानमंत्री भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर के सहारे बालासोर जाया जाएगा जहां पर ये रेल हादसा हुआ है। और 2:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो टाइमलाइन बताई जा रही है प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा कुछ देर में रवाना हो रहे हैं और 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे ओडिशा की राजधानी, और उसके बाद फिर राजधानी भुवनेश्वर से बालासोर जाया जाएगा। आनंद, जो जानकारी सामने आ रही है निकलकर, प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या उच्च अधिकारी भी मौजूद होंगे जो इस हादसे के बारे में ब्रीफ करेंगे, या पहले से क्योंकि अश्विनी वैष्णव वहीं पर मौजूद है। प्रधानमंत्री के साथ अधिकारियों की एक टीम तो रहेगी, लेकिन साथ ही आपको पता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद वहां पे स्पॉट पे मौजूद है और खुद वो पर्सनली मॉनिटर करें जो भी राहत और बचाव कार्य वहां पे चल रहे हैं, और साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे बालासोर, सबसे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दरमियान यानी प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जो भी अपडेट होगा उसको देंगे, उसका खुद प्रधानमंत्री एक एक जगह पर जाके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि इस हादसे से सबक लेना भी जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे हादसे ना हो तो उसको लेके क्या क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। आनंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और इस रिव्यू मीटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं, सबसे पहले हादसे से जुड़ी सबसे जरूरी खबर आपको बता दें, बालासोर ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा है और हादसे में मरने वालों की संख्या 261 तक पहुंच गई है। हादसे में 900 से ज्यादा लोग
घायल हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 अस्पताल हैं बालासोर के आसपास जहां भेजा गया है घायलों को, क्योंकि 900 की संख्या में घायल हैं, बड़ी संख्या है घायलों की। 200 के करीब एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं। 17 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, 261 तक पहुंच गया है मृतकों का आंकड़ा। अपने आप में एक बड़ा ट्रेन हादसा, साल का ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि भारत में इतिहास में एक सबसे बड़े ट्रेन हादसे में से ये एक ट्रेन हादसा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता, जो हमें लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवि, आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर बढ़ा है, 261 तक पहुंचा है, बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या अभी लग रहा है, क्या और मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्या और शव हैं उन बोगीज में जो अभी तक जहां तक नहीं पहुंच पाई है NDRF की टीम या रेस्क्यू टीम्स? मैं दो चीज दिखाना चाहूंगा, शायद ये हमारे दर्शक के लिए देखना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये देखना। इसका कारण ये है, क्या स्थिति बना हुआ है होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ये देखना कि इसका कारण ये है, क्या स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं, पहले का लाइन हुए हैं, इनको ले जाने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा देखिए, लोग जो खड़े हैं ये बॉडी के सामने, किसी का आती है, किसी का परिजन है, उनको पहले ये शव का लाइन देख लीजिए जो लगातार यहाँ पे पड़े हुए हैं सुबह से, इसको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। पहले आपने, मैं कैमरा को बोलूंगा एक बार पैन करके दिखा दे, ये जो शव यहाँ पे है इनको उठाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दर्शकों को बता दें, तस्वीरें जरूर विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक के ऊपर एक बोगी चढ़ी हुई है और इस वजह से गैस कटर का सहारा लिया जा रहा है, बोगी को काट कर अंदर दाखिल हुआ जा रहा है और ये तस्वीरें वाकई बहुत भयानक तस्वीरें हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ नवीन भटनागर जी जुड़ गए हैं, पूर्व DIG NDRF के। लेकिन पहले आपको तस्वीरें एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए, क्रेन मंगाई गई है, क्रेन का सहारा लिया जा रहा है, डब्बों को हटाया जाएगा, बोगी को हटाया जाएगा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज और गति दी जाएगी और तेज़ी लाई जाएगी रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब भी बताया जा रहा है कि जो बोगियाँ फंसी हुई थी आपस में, उनमें से शव को निकालने का सिलसिला जारी है, यानी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब तक 261 औपचारिक आंकड़ा है, 261 तक पहुँचा है, ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये तस्वीर देखिए जिसमें आप दो से तीन क्रेन यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर बोगियों को हटाया जाएगा और अंदर दाखिल हुआ जो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, जो RAF है, वो जवान अंदर दाखिल होंगे और लोगों को बचाने का काम शुरू होगा। हमारे साथ नवीन कुमार भटनागर जी हैं, पूर्व DIG NDRF से जुड़ रहे हैं। मिस्टर भटनागर, ये एक ऐसा हादसा है जो समझ में नहीं आ रहा कि तीन ट्रेनों का एक साथ कोलिजन बहुत ज़्यादा भयानकता बताता है। एक ट्रेन गुजर रही थी, बगल में दूसरी ट्रेन खड़ी थी, उसके साथ टक्कर होती है क्योंकि एक ट्रेन डीरेल हो जाती है और फिर अचानक से मालगाड़ी से भी टक्कर हो जाती है। तो कितनी चुनौतियाँ आती हैं NDRF को इस तरह के हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, ये अपने आप में एक अलग टाइप का हादसा है। जनरली दो गाड़ियाँ आमने सामने टकराती हैं, साइड से भी गिर जाती हैं, डीरेल हो जाती हैं, लेकिन एक मालगाड़ी से भी टकरा जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे टाइम में, जबकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी कि हम 1 किलोमीटर दूर से ही आपका खतरा भाप सकते हैं और गाड़ियों में ब्रेक लग जाता है। और इसी प्रकार से इतना ईजी नहीं है गाड़ियों का आपस में टकराना आज की तारीख में जी। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लकुना हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा कोई सिस्टम फेल हुआ है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDRF और सारे पुलिस सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, सब ने मिल के इतना अच्छा काम किया है कि जो हादसा बड़ा हो सकता था, जिसके अंदर डेथ रेट बढ़ सकता था, वो बहुत कम हुआ है। ये हमारा कैपेसिटी है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। नवीन जी, हमारे पास जैसा कि आप बता रहे हैं कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट मौजूद हैं और उनकी मदद से तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ मेरे साथ इस वॉल पर आएं, सर नवीन सर, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हम ये तस्वीरें दिखाकर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल NDRF किस तरह से काम कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं सर, अगर आप हमें बता पाए कि दरअसल क्या स्टेज है ये इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्या अगर क्योंकि क्रेन्स आ गई हैं तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि जो बॉडीज थी उन्हें निकाल लिया गया और इस वजह से क्रेन्स को अब डिप्लॉय किया गया? बिल्कुल, अभी क्या है कि करीब करीब 95%
आपका रेस्क्यू ऑपरेशन सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट है ना। और इसके अंदर जो है देखिए क्रेन्स वगैरह हैं, जो डिब्बे पलटे हुए थे उनको सीधा किया गया है, तो जो नीचे भी जो दबे हुए थे उनको भी निकाल लिया है, तो इसीलिए हादसा बड़ा है। यानी ये इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपके मुताबिक 95% रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया होगा, तब ये क्रेन्स लाई गई होंगी, क्योंकि उसके पहले वो क्रेन्स नहीं लाई जाएंगी। जी, जी, जी। उसके पहले मैन्युअली लोगों को निकालने की कोशिश होगी। लेकिन जिस तरह का ये ट्रेन हादसा है, इसमें बहुत सी जो बॉगीज हैं वो पूरी तरह से मैंगल हो गई हैं, एक दूसरे पर चढ़ गई हैं, क्या और शव हो सकते हैं या और जिंदा लोग हो सकते हैं जो फंसे हों और उनको निकाला जाए? हमारी टीमों ने पूरा सर्च कर लिया है, हमारे पास कैनाइल्स हैं यानी डॉग स्क्वाड है, उन्होंने भी सर्च कर लिया है, और जो फंसे हुए थे उन्हें बोगी काट के निकाल लिया है, ठीक है ना। इसलिए हमें लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। क्या क्या स्टेजेस होती हैं रेस्क्यू की? सबसे पहले जब आप वहां पहुंचते हैं तो क्या क्या किस तरह से काम किया जाता है एनडीआरएफ की? इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 17 घंटे हो चुके हैं, क्रेन्स हम देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को निकाला गया है, तो अभी क्या स्टेज है रेस्क्यू ऑपरेशन की और किस स्टेज में और किस तरह से काम किया जाता है? जी, स्टेज ये है कि हमने आते के साथ ही जो है निकालना शुरू कर दिया था शवों को, और जो हमारे पास इक्विपमेंट है उनकी मदद से हमने उनको रेस्क्यू किया है। सर, और हम आपको बता दें ये इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को और बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप इनको देखेंगे, ये लाइव तस्वीरें यानी एक्चुअल इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन यही है, वहाँ की हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपका क्रेन्स है, तो उसकी मदद से सबसे हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि डिब्बे गिरे हुए थे जी, उसमें रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था, कुछ डिब्बे आपस में जुड़ चढ़े हुए थे उसमें से बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अब सिचुएशन कंट्रोल कर ली गई है, सब कुछ सर्च और ये कर लिया गया है ना जी। तो इसलिए उम्मीद है कि अब हमारा काम करीब करीब ओवर हो चुका है, और रेलवे के PRO ने CPRO ने भी बताया है कि ये ऑपरेशन ओवर हो गया है। और जी जी नागर सर, अब जो है ये सिलसिला जारी होगा कि जो क्रेन मंगाई गई हैं उनके सहारे बोगियों को हटाया जाएगा। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, प्रेमपाल शर्मा जी जुड़े हैं। मिस्टर भटनागर, को आपने सुना कि 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हुआ है, लेकिन अब भी 5% बचा हुआ है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन चुके हैं कि पहला हमारा फोकस ये है लोगों की जान बचाना। प्रेमपाल शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप, और आप इंडियन रेलवे से हैं। प्रेमपाल जी, आपने तस्वीरें देखी होंगी, हम इस वक्त तस्वीरें बिग वॉल के जरिए भी दिखा रहे थे, काफ़ी हद तक काम हो गया है, लेकिन अब भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये हादसा हुआ कैसे होगा। दो लाइनों में एक साथ ट्रेनें गुजरी, डिरेल हुई और फिर मालगाड़ी से भी टकरा गई, ये अपने आप में बहुत विभत्स हादसा है, बहुत भयानक हादसा है। नहीं, आपका कहना सही है और मैं आपकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। जिस आपके जो रिपोर्टर वहां पर है उसी से हमें जो सूचना मिल रही है, अभी इसमें अटकल और अनुमान लगाने की गुंजाइश नहीं है जब तक कि रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हाई पावर कमेटी की नहीं आ जाती कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ये यकीन नहीं हो रहा कि जिस समय ये एक ट्रेन डिरेल हुई उसी समय दूसरी गुजर रही थी, तो ये कह सकते हैं कि कुछ दैवीय विधान ऐसा है, लेकिन तसल्ली मिल रही है आपकी रिपोर्ट से। लापरवाही है प्रेमपाल जी, बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है, और ये बिना लापरवाही के नहीं हो सकता। सिग्नल लॉस्ट हो गया 10 किलोमीटर तक। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, देखिए कोई भी एक आदमी की भी जान जाती है तो वो बहुत बड़ा हादसा है, और इसमें तो आप 250 के आसपास तक अगर बता रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन लापरवाही, क्या ये लापरवाही है या कोई और सैबोटेज की कोई थ्योरी है, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो कवच सिस्टम है जी, ये था या दूसरी, अभी मतलब मेरा कहना ये है कि सब बने रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त मनोज यादव जी जुड़ गए हैं एनडीआरएफ से, एनडीआरएफ के डीजी हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज यादव जी, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, ग्राउंड सिचुएशन, अगर आप हमें लेटेस्ट अपडेट दे सके। जैसा कि आपने विजुअल्स में भी अभी देखा होगा, बहुत सारी बॉगी जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं,
और मिंगल्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से जो मिंगल्ड बॉडी हैं और उनके आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से उसको हम अभी हटाने की प्रक्रिया में हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं उसे देखने के लिए कि कोई इसमें जख्मी व्यक्ति तो नहीं है या कोई जो है डेड बॉडी तो नहीं है वहाँ पर, और ये सर्च जो है हमारी सारी बॉगी में कंटिन्यू कर रही है। मनोज जी, कोई चैलेंजेस इस वक्त आ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि कल शाम ये हादसा हुआ और उसके बाद से ही फिर रात हो गई और अब जब मॉर्निंग में रेस्क्यू ऑपरेशन रिज्यूम किया गया तो उसके बाद से ही गति देखने को मिली, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं अभी? ऑपरेशन नाइट में भी चलता रहा, बहुत लोगों को जो है वेकेट किया गया, डेड बॉडीज भी निकाली गई और मॉर्निंग में भी हमारा जो है ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है। आप ये बात इसको समझेंगे कि जो अगर किसी तरीके से जो बॉगी है इतनी स्ट्रांग स्टील की रहती है, अगर कोई आदमी इसमें विक्टिम इसमें फंस जाता है तो उसको कट करने के लिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, तो उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज उसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो विक्टिम है उसको स्टेबलाइज भी करना पड़ता है मेडिकली, क्योंकि उसको चोट लगी हुई होती है तो हमारी मेडिकल टीम उसको स्टेबलाइज भी करती है, जो फर्स्ट एड देनी है वो भी देती है और उसके साथ साथ हम कटिंग करके उसको एक्सट्रिकेट करते भी हैं। जी मनोज जी, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, ग्राउंड से आपको रिपोर्ट्स लगातार मिल रही हैं, अभी क्या आपको लग रहा है, क्या आपको रिपोर्ट्स मिल रही है, कितने और लोग या कितने और बॉडीज हो सकते हैं या कितने और लोग हो सकते हैं जो फंसे हो सकते हैं इन बॉगीज में जहां तक आप अभी नहीं पहुंच पा रहे थे? देखिए, मैंने जैसा आपको अभी पहले बताया, इसी अंदाजे के लिए, अंदाज से कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक हम खुद नहीं देख लें कि जब ये बॉगी हटाई जाएंगी और एक दूसरे से उसको पुल किया जाएगा तब जाके हमको ये पता चलेगा, अदरवाइज ये केवल एक अंदाजा होगा। तो आपके मुताबिक कब तक ये हटा लिया जाएगा? ये भी प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा मैंने कहा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस स्टेज जी, और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ टीम है, इक्विपमेंट्स हैं, उसमें शाम तक हम इस बात को कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये डिटेल्स बताने के लिए, और रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ इस वक्त मौका है घटना पर है, प्रधानमंत्री मोदी भी 2:30 बजे तक भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। रवि, हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए क्योंकि लगातार हमारी NDRF से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं काफी हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, क्रेन मंगाई गई है बोगियों को हटाने के लिए, वहां से तस्वीरें दिखाई। देखिए, यहाँ पे उदयगिरी धौलागिरी क्रेन जो है उसको लाया गया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्रेन है, साफ जाहिर होता है ये क्रेन का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, जो बोगीज एकदम उलट पुलट गई है, एकदम तोड़ मरोड़ जो अवस्था हुई है, ये सारे बोगीज को यहाँ से निकाले जाएंगे और देखा जाएगा अंदर कोई बॉडीज है कि नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत स्थिति बना हुआ है जहाँ NDRF शायद नहीं पहुँच पा रहा है, कोई ऐसे स्लैब्स है जिसके नीचे अगर बॉडी दबे हुए हैं उनको निकालना मुश्किल है, तो बड़े बड़े क्रेन्स का भी इस्तेमाल किया जाएंगे। अब आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे सुबह से NDRF काम कर रहे थे, लगातार एक के बाद एक बॉडी निकाला गया था और जैसे कि NDRF के अधिकारी ने कहा था 30 बॉडी हम लोग यहाँ से निकाले हैं, तो देखिए वो जगह पे अभी यहाँ बदबू आना शुरू हो गया है, जो बॉडी अंदर है वो सड़ने की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या स्थिति है, एक दरवाज़ा जो ट्रेन की इतनी मोटी दरवाज़ा है वो कैसे ब्लेड की तरह कट चुकी है, आप देखिए यहाँ पे, इसे साफ पता चलता है कितना भयानक है। देखिए इतना मोटा स्टील का प्लेट है, देखिए ये जो प्लेट है अगर ये किसी के ऊपर लगता है, कोई व्यक्ति के ऊपर बचने का कोई उसको नौबत होगा, आप इसको देखिए, साफ पता चलता है एकदम रेजर शार्प ब्लेड की तरह ये कटा है, जैसे कि मानो कोई छुरी से काट दिया हो, इतने मोटा करीब 1 इंच मोटा एक स्टील का प्लेट है, और ये बोगी, ये जो मालगाड़ी है उसका बोगी का बॉडी था, अगर वो ऐसे कट जाता है तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर हुआ होगा हादसा। देखिए ये रेल का जो यहाँ पे ये जो इंजन है उसका स्थिति देखिए, अब देखिए यहाँ पे कैरिंग गुड्स जो है उसका स्थिति देखिए, जो लोग अंदर थे किस कदर बुरी तरह से फंसे हुए थे, कैसे उनका मौत हुआ होगा दर्दनाक। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, घटनास्थल पर मौजूद हैं, अगर आप अब तक इस पूरे घटनास्थल का जायजा ले चुके हैं, कितनी बॉगीज हैं जो बुरी तरह से मैंगल्ड हैं, जहां अभी तक पहुंच नहीं पाई है, अंदर तक पूरी तरह से जांच नहीं कर पाई है NDRF की टीम? ऐसे मैं
दावे के साथ कैसा होगा, ऐसा 4 से 5 बोगी अवीज भी है जहां पे एनडीआरएफ वहां से बॉडी अभी निकाल नहीं सकी है, उनको निकालने में टाइम लगेगा। बड़े बड़े क्रेन इसीलिए लाए गए हैं ताकि उनको अपलिफ्ट कर सके, क्योंकि ऐसे पेचीदा लॉक हो चुके हैं, वो लॉक खोलना मुश्किल हो रहा है कटर से। आपको एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए ये चमकीला प्लेट्स आपको दिख रहा होगा ट्रेन के चक्के पे, ये कहते हैं इसको ब्रेक कहते हैं, ब्रेक शू है इसका, मतलब कभी जो पटरी के ऊपर ट्रेन चलते हैं उसको रोकने के लिए ये ब्रेक्स लगाए जाते हैं। सोचिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का भी यही ब्रेक्स है, और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये ब्रेक्स टूट चुके हैं दो हिस्से में, लगेगा कोई तोड़ के फेंक दिया है। समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त ब्रेक कोरोमंडल एक्सप्रेस ने लगाया था, जैसे कि सामने ट्रेन आ चुके हैं और समझिए कितना स्पीड में आया होगा कि पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है। रवि आप बता रहे हैं कि 4 से 5 बॉगीज हैं जो पूरी तरह से मैंगल्ड हैं, हमारा जो वहां तक एनडीआरएफ की टीम अभी नहीं पहुंची है, क्या वहां से लोगों को निकाल लिया गया है या आपको लगता है, क्या आपने देखा है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या वहां पर अभी और बॉडीज हो सकती है, क्या आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्या ग्राउंड सिचुएशन? देखिए इंडिविजुअल हर एक बोगी पे, रविशंकर रुके हम धर्मेंद्र प्रधान जी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। सिचुएशंस है जहां पे बॉडी निकालना मुश्किल है, वो बॉडी वहां पे अभी तक दुर्भाग्यजनक घटना गत काली हेछि, गोटे एक्सीडेंट हेछि, आपण समस्तंको मोर निवेदन ये एक्सीडेंट साइट को रेल विभाग दुई प्रकार रिस्टोरेशन और रिलीफ काम लगी। एक तो ये जो यात्री माने गत काली सब फसिकी थे कि बंधु मानकर परलोक भी होकर मृत्युवरण भी होनेक बंधु मानक स्थानीय हस्पिटाल को सब नहीं चिकित्सा करा सह रेल भाई याकू रिस्टोरेशन काम लगी। केंद्रीय मंत्री को सुन रहे हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान को उड़िया में बोल रहे हैं वो, ओडिशा में यह हादसा हुआ है, और रविशंकर दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी रविशंकर जी, अपनी बात कंटिन्यू रखिए, क्रेन मंगाई गई है, क्रेन की भी तस्वीरें दिखाते रहिए, और आप बता रहे हैं 5 बोगियां ऐसी हैं रविशंकर जो अब तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और टीम वहां पर एनडीआरएफ की नहीं पहुंच पाई है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार कर देना चाहता हूँ, एनडीआरएफ के टीम हर एक बोगी में पहुँच चुका है, लेकिन बॉडी दो बोगी के बीच ऐसे फंसे हुए हैं, या तो एक बोगी के ऊपर दूसरा बोगी ऐसे चढ़ चुका है, उसका बीच से बॉडी निकालना मुश्किल हो रहा है, तो वो बॉडी फंसे हुए हैं, उसको निकालने में एनडीआरएफ को ये लिफ्ट करके, देखिए क्रेन जाना शुरू हो चुका है, ये जो क्रेन जा रही है आप देख सकते हैं, ये क्रेन धीरे धीरे जाएगी, एक एक करके बोगी उठाएगी, फिर उसको हटाएगी, बीच में जो बॉडी फंसे हुए हैं फिर उनको निकालेंगे। तो एनडीआरएफ के जो टीम है वो हर जगह पे लोकेट कर चुका है कहाँ कहाँ पे बॉडी है, लेकिन शायद जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है, और भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगा यहाँ पे वो बॉडी को निकालने के लिए, या तो जो बोगीज है उसको अपलिफ्ट करके हटा के फिर बीच से कुछ लोगों को निकाला जाए, या फिर जो लोहा है जो तोड़ मरोड़ के एकदम एक बॉल जैसा बन चुका है उसका बीच में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए उसको काटना ज़रूरी है। तो प्रोसेस अभी चालू है, समय थोड़ा लगेगा, लेकिन जो मैक्सिमम काम है वो हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा ये जो आपका गुड्स ट्रेन है इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा उलट गया है, और इसके अंदर जो लोग थे उनको निकाला गया है। सामने जो लाल दरवाज़ा जिसका जिक्र मैं कर रहा था उसमें देखिए ट्रेन जो खून के जो धब्बे हैं वो कितने खून निकले होंगे, जिनका भी निकला होगा कितने खून निकले होंगे वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे वो जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसे आपने कहा कि घटना का मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो मतलब हादसा कितना बड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के वो आ चुके हैं, रेल मंत्री आ चुके हैं, तो मतलब एक नेशनल डिजास्टर के तौर पे इसको देखना चाहिए। और सांप्रतिक समय में मेरा जितना तजुर्बा है 17-18 साल का पत्रकारिता में, मैंने इतना बड़ा हादसा रेल दुर्घटना में नहीं देखा है, और मैं
दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आंकड़ा है अभी, जो आंकड़ा 261 बताया जा रहा है, वो हो सकता है कि 300 क्रॉस कर जाए। लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ जिस कदर काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, यहाँ पे जिस कदर आर्मी के लोग काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, रेलवे के डिपार्टमेंट जिस कदर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि जो लोग का कोई जैसे रिलेटिव्स हैं जिनकी मौत हो चुका है और वो दर बदर घूम रहे हैं अपना रिलेटिव का बॉडी ढूंढने के लिए, हो सकता है यहाँ ही वो फंसे हुए हो और यहाँ से निकलने के लिए आपको ये क्रेन्स के इस्तेमाल किया जाएंगे और यही क्रेन्स इस्तेमाल करने के लिए उनको लाया गया है। रवि, हम देख रहे हैं कि मौसम भी बहुत ज़्यादा वहाँ ख़राब है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप बने रहें, आपके पास वापस आएंगे और क्या है ज़मीनी स्थिति वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार। लेकिन ये हादसा कितना खौफनाक था ये तस्वीरों को देखकर समझ ही सकते हैं, मगर जो लोग हादसे वाले वक्त ट्रेन में थे उन्होंने जो बताया वो और भी डराने वाला है। क्या कहना था उनका, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, सुनिए। अचानक से इतना बड़ा लग रहा है कि तूफान आया है, कि पूरे चक्का उक्का ऐसे ट्रेन पूरा आदमी सब इधर में पूरा दबा गया था, इधर में भी दबाया था, हम लोग तो इधर में बैठे थे मगर बस पकड़ के बैठे थे थोड़ा, तो जान तो बच गई आपकी। हाँ, हम लोग का जान, लेकिन आपकी आप ही के बोगी के अभी भी हम देख सकते हैं कि छह लोग हैं जिनका मौत हो चुका है, लेकिन उनका बॉडी निकलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना बुरी तरह फंसा। हमारे बोगी में बहुत आदमी का जान गया है, बहुत आदमी का, 6 से भी ज़्यादा आदमी का जो जान गए हैं पहले। तो आप लोग तो मतलब भगवान, जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहे। सर, आगे टाइम में इतना दुर्घटना नहीं हो, तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस ना हो उसकी व्यवस्था। सर, जो कुछ इंक्वायरी हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ अश्विनी वैष्णव बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन जहां रेस्क्यू टीम काम कर रही है वहां नहीं जाएंगे। ये दुर्भाग्यजनक हुआ, नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है, रेल मंत्री जी ने स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं, रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी। अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं, पूरा भारत सरकार की राज्य सरकार की सारे एजेंसी रेस्क्यू की काम पे लगे हैं, लोगों को चिकित्सा करना पड़ रहा है, कईयों का दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को देखभाल करना पड़ रहा है। अभी आज यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, थोड़ी देर पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहां होके गए हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, ये सारे के बीच में यहाँ रिस्टोरेशन और रेस्क्यू ये दोनों काम पे हम सबकी सहयोग कामना करते हैं। स्थानियों ने बहुत मदद किया, हम सब मिलकर उसको पहले स्वाभाविक करें। अभी तो कुछ नंबर अभी राज्य सरकार ने बताई है, देखते हैं आगे पूरा रेस्क्यू हो जाए। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और सभी ये जांच करेगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कैसे हुआ। और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हादसे वाली जगह से। हमारे साथ मिस्टर भटनागर लगातार बने हुए हैं। मिस्टर भटनागर, आप लगातार रिपोर्ट्स देख रहे हैं, वहाँ से अपडेट लाइव आ रहा है, क्रेन्स मंगाई गई हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 95% जो काम है वो पूरा हो चुका होगा तभी क्रेन मंगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बोगियों का कोलाइजन हुआ है, कोलाइड जो हुई हैं बोगियाँ, उसके बाद जो फंस गई और क्षतिग्रस्त हो गई, अगर वहाँ डेड बॉडीज़ होंगी वो निकालने की एक बड़ी चुनौती होगी। जी डेफिनेटली, जो सारे एफर्ट थे रेस्क्यू के और सर्चिंग के वो करीब करीब पूरे हो गए, लेकिन कुछ स्थिति में हो सकता है जो बॉडी मिल जाए या जो कहीं फंसी हुई हो, तब वो को जो है अभी क्रेन की मदद से हटाने के बाद मिल जाएंगी, सर्च कर लिया जाएगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रही है, वजह क्या होगी? जी बड़ी बात ये है कि वजह मौसम तो है इंक्वायरी के बाद जी। सर, जो मौसम है वो बहुत गर्म है, ऐसे में अगर बॉडीज अभी भी कहीं पर हैं मौजूद तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे समय से इसको और तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए। जी सर, आपसे मेरे से तो मौसम तो अभी गर्मी हो गई है, कोई बात नहीं, हम लोग इसके आदी हैं और हमारी फोर्स के लोग लगे हुए हैं और अभी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पूरी जो भी अगर बोगियों में कोई बचा हुआ है उनको निकाल के
जो लेकिन, भी लेकिन भटनागर जी जो बेसिक बात है, आपको क्या लग रहा है ये हादसा क्यों हुआ होगा? ये तीन ट्रेनों का एक साथ भिड़ंत टक्कर क्यों हुई हो, कैसे हुई होगी? देखिए ऐसा ही है तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। फिर भी आप अगर देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़े रेल हादसों में से एक है। नहीं, बड़ा हादसा तो ये हुआ है कि कहीं ना कहीं लकुना हुआ है, चाहे वो ह्यूमन फॉल्ट हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का फॉल्ट हुआ है, और चाहे जो है किसी की एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए अभी इसके बारे में कंक्लूजन देना जल्दबाजी होगी। लेट अस होप एंड इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर। जी जी हाँ, साथ ही हम कुछ तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी आई अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें हैं। सर ये जो तस्वीरें, इनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि दरअसल कैसे हुआ है ये हादसा रेलवे ट्रैक, और उस ट्रैक पर किस तरह से ये दुर्घटना हुई उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या आपको इन तस्वीरों से कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह का हादसा हुआ है और क्या जानकारी दी गई पीएम को? देखिए जो जानकारी अब तक आई है हमारे पास और हम देख भी रहे हैं, तो अब कह नहीं सकते क्योंकि हमारा अभी बोलना या बताना इस बारे में जल्दबाजी होगा। हम किसी पे लांछन नहीं लगा सकते कि हो सकता है ये सेफ्टी लकुना हो। क्या सर, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डिरेलमेंट को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। सर बड़ी वजह तो क्या कह सकते हैं हम लोग अभी, जब तक पता ना चले। मेरे तो ख्याल से जो है ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक छोटे मोटे इससे पहले पूर्व डीजी से बात हो रही थी, एनडीआरएफ से ही थे, उनकी तरफ से कहा गया कि 10 किलोमीटर तक की रेंज में कोई सिग्नल नहीं मिला ट्रेनों को। जी दोनों ट्रेनों को कोई सिग्नल नहीं मिला, कोरोमंडल ट्रेन भी और हावड़ा एक्सप्रेस भी, और उसके बाद ये हादसा हो गया। ये एक्चुअली क्या है, स्टेशन जो होते हैं पहले और लास्ट के स्टेशन, वहाँ पर जो जीपीएस सिस्टम है उनसे बराबर सिग्नलिंग आती रहती है, वो ट्रेन से टच में रहते हैं, ड्राइवर को भी बताते हैं और गार्ड को भी बताते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि सिग्नल नहीं मिला, तो इसका मतलब ये उसका फेल हुआ है, जो सुरक्षा कवच है वो फेल हुआ है उसका सिग्नलिंग सिस्टम, या कुछ और हादसा हुआ है। हमें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, एकदम इस तरीके से नहीं कह सकते। सर लेकिन देखिए एक बड़ी वजह जो अभी तक शुरुआती तौर पर बताई जा रही है वो डिरेलमेंट बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मालगाड़ी लूप लाइन में खड़ी थी, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वो डिरेल हुई है और पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन और साथ ही मालगाड़ी से भी टकराई है। सब वापस आएंगे आपके पास, वजहों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता की। कोरोमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना कितना भयंकर है उसका रूप आपको दिखाना चाहते हैं, ये टॉप व्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये है इंजन कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो कि मालगाड़ी के ऊपर चढ़ चुका था। मालगाड़ी के ऊपर हम खड़े हुए हैं और ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस का स्लीपर का क्लास और जो कि जनरल क्लास है। आप अंदर देखेंगे तो समझ सकेंगे कि यहाँ किसी का भी जिंदा रहना नामुमकिन है। आप देखिए क्या स्थिति बना हुआ है, एक भी सीट अपना जगह पे नहीं है और बीच बीच में बॉडी अटका हुआ है, अभी भी यहाँ पे बॉडी अटके हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो फायर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे बॉडी अटके हुए हैं और वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि इतना भयंकर एक घटना है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेन की जो बोगी है वो उलट गई है, जो जिसको हम चक्का कहते हैं वो ऊपर चला गया है और बोगी नीचे चला गया। आप समझ सकते हैं कि इसके नीचे कितना बॉडी दब के रह सकता है। चारों तरफ का विजुअल्स आपको एक बार दिखा देते हैं, और विजुअल देखने से आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे स्लीपर क्लास लिखा हुआ है, 216607C लिखा हुआ है, और बीच का जो फ्रेम है वो फ्रेम देखिए उसमें पता चलता है तो कुछ भी नहीं बचा है। इसका टुकड़ा कहाँ गया, इसका ऊपर जो एक कवर था वो ट्रेन का कहाँ चला गया किसी को नहीं पता, और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति पे बॉडी निकल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कैसे लोगों का सामान बिखरा पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे यहाँ पे किट बैग, कैसे यहाँ पे आपका ब्लैंकेट, कैसे जीन्स, कैसे यहाँ पे खाने के जो सामग्री थे वो पे कैसे पड़े हुए वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ वीडियो कॉल देखो, दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश।
कोशिश करेंगे। देखिए कहाँ से पता चल रहा है कि कैसे ट्रेन पूरा उलट गई है और आधा हिस्सा ट्रेन का, ये जो ट्रेन है इसका है ही नहीं, ये आधा हिस्सा कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, अंदर घुस गया कि क्या हुआ कुछ मालूम नहीं चल रहा। तो रविशंकर दत्ता अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि कुछ बोगियां बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान आया है सामने, बालासोर हादसे पर बेहद दुखद ये हादसा है, वो दुखी हैं, दुख की इस घड़ी में यूक्रेन भारत के साथ खड़ा है, घायलों के लिए हमारी प्रार्थना है। ये देखिए इनका बयान ट्विटर के जरिए सामने आया है, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम भारत के लोगों के साथ हैं और यूक्रेन भारत के साथ खड़ा है। आई एक्सप्रेस माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ दोज हु किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ये सांत्वना आई है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से।